हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम टू आवर चैनल सरल गणित। आज के हमारे इस वीडियो के अंदर हम स्क्वायर्स एंड स्क्वायर्स रूट की एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 से। आई होप फ्रेंड्स आपको इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस काफी अच्छे से समझ आए होंगे। आगे जो अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, ये उसी क्वेश्चन के मेथड दैट इज डिवीजन मेथड के ऊपर ही बेस्ड है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड। आपको ये बताना है कि इन सभी नंबर में से हम कौन सा लीस्ट, मतलब कौन सा सबसे छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करें इन नंबर्स में से, जिससे ये नंबर्स क्या बन जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बन जाए। क्लियर है? हमें बताना है कि इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करने पर ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, और उसके बाद जो भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा आपको उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करके बताना है। क्वेश्चन क्लियर है? ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट हमारा है 402। आपको ये बताना है कि 402 में से कौन सा सबसे छोटा नंबर हम माइनस करें जिससे ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ये जो 402 है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्यों नहीं है, राइट? सो आपको याद होगा जब भी हम डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो हम एक अलग ही टेबल यूज करते हैं, और वो टेबल क्या है, स्क्वायर्स ऑफ सिंगल डिजिट नंबर्स, राइट? हम सिंगल डिजिट नंबर्स की टेबल यूज करते हैं, जैसे 1 1s are 1, 2 2s are 4, 3 3s are 9, 4 4s are 16 एंड सो ऑन, राइट? सो इसी टेबल की हेल्प से हम क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि जो हमारा नंबर है 402 ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पीछे से हम इनका ग्रुप बनाना स्टार्ट करेंगे। दो दो का ग्रुप बनाएंगे, तो फर्स्ट बना 04, सेकंड बना 02, राइट? सो ये जो फर्स्ट ग्रुप है 04, हमें चेक करना है कि क्या 4 इस टेबल में कहीं आ रहा है। यस, बिल्कुल आ रहा है। किस पर? 2 2s are 4 पर। क्लियर? तो ये गया 2 2s are 4 पर, राइट? अब यहाँ क्या हम देख रहे हैं कि 4 में से 4 गया, 0 बचा, रिमाइंडर हमारा कितना गया, 0। अब इस क्वेश्चन वाले 2 को हम क्या करेंगे, डिवाइजर में ऐड कर देंगे। ये रूल था हमारा, राइट? अब हमने 2 को ऐड किया तो 2 + 2 क्या बन गया, 4। अब जो हमारा न्यू डिवाइजर है वो क्या है, 4 है। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, सेकेंड पेयर को नीचे लेकर आएंगे, तो सेकेंड पेयर नीचे आया, क्या बन गया, 02। सो फ्रेंड्स, क्या 4 2 को डिवाइड कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं कर सकता। क्लियर है? क्योंकि 2 जो है वो 4 से क्या है, छोटा। तो मतलब अब यहाँ पे डिवीजन नहीं होगी और आगे। तो हमें क्या पता चला कि रिमाइंडर बचा 2। रिमाइंडर 2 का मतलब क्या है कि ये जो नंबर है 402, इसको जो लीस्ट नंबर है 2, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने में, राइट? क्योंकि 402 में सब तो डिवाइड हो गया लेकिन सिर्फ 2 रह गया, 2 नहीं हुआ डिवाइड, राइट? तो 2 डिवाइड नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बनने दे रहा, राइट? तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड लीस्ट नंबर, वो नंबर जिसको जरूरत है माइनस करने की इस नंबर में से, वो नंबर क्या है, 2 है वो नंबर, राइट? तो अगर हम 2 को माइनस कर देंगे 402 में से तो ये क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर। और क्या बनेगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर 2 सब्ट्रैक्ट करने पर, 400, राइट? सो अब हमें क्या करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हमने ये फाइंड कर लिया कि लीस्ट नंबर क्या है जिसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। अब हमें क्या करना है, इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, राइट? तो हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, अगेन वही रूल, हम क्या करेंगे, ग्रुप बनाएंगे दो दो का। तो यहाँ पे हमने ग्रुप बनाया, फर्स्ट हमारा क्या जाएगा, 2 2s are 4 जाएगा, क्योंकि 4 तो इस टेबल में आता है, राइट? तो 2 2s are गया 4। 4 के बाद अब हम क्या देख रहे हैं, लास्ट में सिर्फ जीरोस बच रहा है। तो जब भी लास्ट में आपका जीरो बचता है तो हम क्या करते हैं, उन जीरो को भी एज इट इज नोट कर देते हैं, और उन पेयर ऑफ जीरोस के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जीरो और यहाँ पर जीरो लगाते हैं। इसका मतलब क्या है कि 20 × 20 अगर आप करेंगे तो आपको 400 मिलेगा, राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ, द स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज 20।
400 जो है वो 20 का परफेक्ट स्क्वायर है। क्लियर है वाला पार्ट? नाउ मूव करते हैं सेकंड पार्ट पर। अब हमें बताना है कि 1989 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें जिससे ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि 1989 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्यों नहीं है, राइट? सो 1989 में भी हमने क्या किया, पेयर बनाना स्टार्ट किया। तो फर्स्ट पेयर बना 19, सेकंड बना 89। सो 19 क्या इस टेबल में आ रहा है, हमें ये चेक करना है। 19 तो कहीं नहीं आ रहा। सो अगर 19 नहीं आ रहा तो उससे छोटा हमें क्या मिल रहा है, हमें 16 मिल रहा है। किस पर? 4 4s are 16 पर। तो ये गया 4 4s are 16 पर। 19 में से 16 गया, 3 बचा रिमाइंडर। अब हम इस 4 को क्या करेंगे, इस डिवाइजर में ऐड। तो 4 + 4 हमें क्या मिल गया, 8 मिल गया। क्लियर है यहाँ तक? अब हम क्या करेंगे, हमारा जो सेकंड ग्रुप है 89 उसको नीचे लाएंगे। तो ये जब सेकंड ग्रुप को हम नीचे लाए तो ये नंबर क्या बना, 389। अब हमें क्या करना है, हमारा ये जो डिवाइजर है 8, अब हमें 8 को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे हमें 389 मिल जाए। या तो परफेक्टली 389 मिल जाए या फिर उसे जस्ट छोटा मिल जाए। डिवाइड में भी तो हम यही करते हैं ना। तो डिवाइड जो है वो डिवीजन मेथड से ज्यादा डिफरेंट नहीं है, सेम ही है। तो हमें अब चेक करना है 8 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें 389 मिल जाए या उसे जस्ट छोटा मिल जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। और हमारा रूल क्या कहता है कि आप 8 को जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस नंबर को 8 के साथ भी लिखेंगे, राइट? तो अगर हम 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 को 8 के साथ भी लिखा, तो इसका मतलब 83 × 3 हमें क्या मिला, 249 मिला। ये तो छोटा है। तो अब हम एक और नंबर से चेक करेंगे। अब हम 8 को 4 से चेक करेंगे, तो 4 को 8 के साथ भी लिखेंगे, 84 × 4 हमें क्या मिला, 336, राइट? 336 अभी भी छोटा है 389 से। तो हम एक और नंबर चेक करेंगे। अब हम 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 को 8 के साथ भी लिखेंगे, 85 × 5 हमें क्या मिला, 425। अब हम क्या देख रहे हैं कि 84 4s are 336 मिला और 85 5s are क्या मिला, 425। तो हमें 389 नहीं मिला, राइट? अब अगर हमें परफेक्टली 389 नहीं मिला तो उससे जस्ट छोटा क्या आ रहा है, 336। किस पर? 4 पर। तो हम इसको कैंसिल करेंगे कैसे, 84 4s are 336, राइट? अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स, सब्ट्रैक्ट करने के बाद हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो नंबर बचा वो है 53। अब ये 53 आगे तो और डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 84 ही जो है वो क्या है, बड़ा है 53 से, राइट? तो इसका मतलब क्या है, रिमाइंडर हमारा बचा 53। ये रिमाइंडर जो है हमें ये बताता है कि 53 ही एक ऐसा नंबर है जो 1989 को एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बनने दे रहा। क्लियर है? तो इससे हमें क्या पता चला कि वो रिक्वायर्ड लीस्ट नंबर जो हमें चाहिए इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए, वो क्या है, 53। मतलब अगर हम 53 को 1989 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। सो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या बनेगा आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग दिस नंबर, 1936। क्लियर है ये चीज? सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमने फाइंड कर लिया, लीस्ट नंबर हमने फाइंड कर लिया, अब हमें इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सो स्क्वायर रूट ऑफ 1936, अब हम क्या करेंगे, पीछे से हमने ग्रुप बनाया, फर्स्ट ग्रुप हमारा क्या है, 19 इस टेबल में हमें कहीं नहीं मिलता लेकिन उससे छोटा 16 मिलता है 4 4s are 16 पर, राइट? सो 4 4s are 16 गया, 3 बचा, इस 4 को हम यहाँ ऐड करेंगे तो 4 + 4 कितना हो गया, 8। नाउ 36 को अब हम नीचे लाएंगे तो ये नंबर क्या बन गया, 336। अब क्वेश्चन ये आता है कि 8 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें 336 मिल जाए। तो ये मल्टीप्लीकेशन तो हम रफली पहले भी कर चुके हैं, राइट? 84 4s are हमें क्या मिलता है, 336। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 84 4s are 336। नाउ इनको अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचा, रिमाइंडर हमारा 0। तो इसका मतलब हमारा यहाँ पे स्क्वायर रूट कंप्लीट होता है। सो द स्क्वायर रूट ऑफ 1936 इज 44। क्लियर है?
44 का जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्लियर है ये पार्ट? नाउ मूव करते हैं हम थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट हमें क्या दे रखा है, 3250। नाउ 3250 को फर्स्ट हम चेक करेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्यों नहीं है बाय डिवीजन मेथड। अब हम क्या देख रहे हैं कि हमने पीछे से ग्रुप बनाया, फर्स्ट ग्रुप हमारा क्या है 32। नाउ हम फाइंड करेंगे कि क्या ये 32 इस टेबल में कहीं मिलता है, तो हम क्या देख रहे हैं 32 तो हमें यहाँ कहीं नहीं मिल रहा। अगर नहीं मिल रहा तो अब हम क्या करें, हम उससे छोटा देखेंगे, तो उससे छोटा हमें क्या मिल रहा है 25 मिल रहा है। नाउ 25 जाएगा 5 5s are 25 पर, 32 में से 25 गया, कितना बचा 7। अब हम क्या करेंगे, इस 5 को यहाँ ऐड करेंगे, 5 + 5 कितना हो गया 10 हो गया। सो अब नेक्स्ट ग्रुप को हम नीचे लाएंगे, नेक्स्ट ग्रुप नीचे आया 50, तो ये क्या बन गया 750। अब हमें 10 को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे मल्टीप्लाई करने पर हमें 750 मिल जाए या उससे छोटा मिल जाए। तो 10 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 7 से अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 7 को 10 के साथ भी लिखेंगे। सो 107 × 7 कितना हो गया 749। और अब हम क्या देख रहे हैं कि हमें 750 तो नहीं मिला लेकिन उससे जस्ट छोटा 749 मिल गया, राइट? सो ये गया 107 × 7 749, और रिमाइंडर हमारा कितना बचा 1 रिमाइंडर बच रहा है, आगे डिवाइड और पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, 1 ही एक ऐसा नंबर है जो 3250 को परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बनने दे रहा। तो हम क्या करेंगे इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए, हम इस 1 को ही 3250 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, राइट? सो द रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर इज 1, जिसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है इस नंबर में से। एंड आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम दिस नंबर, हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या बनेगा 3249। क्लियर है ये चीज? अब हम 3249 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे बाय डिवीजन मेथड। अगेन हमने क्या किया, पीछे से ग्रुप बनाया, 32 जो है टेबल में नहीं आता, उससे छोटा 25 आता है, 5 5s are 25 पर। क्लियर है ये चीज? नाउ 5 को अब हम यहाँ ऐड कर देंगे, 5 को ऐड किया तो यहाँ बन गया 10, और 32 में से 25 गया 7 बचा। सेकंड पेयर को हम नीचे लाएंगे, 49 नीचे आया तो ये नंबर क्या बना 749। नाउ 10 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे 749 आ जाए, तो आंसर है 7। मतलब अगर हम 10 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 749, और क्योंकि हम 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 7 को 10 के साथ भी लिखना पड़ेगा, ये रूल है, राइट? सो 107 × 7 कितना आ गया 749, और सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा रिमाइंडर क्या आया 0। सो इससे हमें ये पता चलता है स्क्वायर रूट ऑफ 3249 इज 57। क्लियर है? बहुत आसान क्वेश्चन है। नाउ मूव करते हैं हम फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट है 825 को फर्स्ट हम चेक करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्यों नहीं है। सो 825 का हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं बाय डिवीजन मेथड। हमने पीछे से ग्रुप बनाना स्टार्ट किया, 25 ग्रुप में आ गया, बट 8 जो है वो सिंगल नंबर है। अब इसको ग्रुप में कैसे लाए, उसके आगे हम 0 लगा देंगे, तो ये 0 8 बन गया। क्लियर है? सो अब ये जो हमारा फर्स्ट ग्रुप है 8, हम इसको चेक करेंगे कि क्या इस टेबल में कहीं 8 हमें मिल रहा है। सो 8 तो हमें कहीं नहीं मिल रहा, तो 8 से छोटा क्या मिल रहा है 4, किस पर 2 2s are 4 पर, तो ये कैंसिल हुआ 2 2s are 4, 8 में से 4 गया बचा 4 रिमाइंडर, और इस 2 को हम यहाँ ऐड कर देंगे तो 2 + 2 क्या मिल गया हमें 4 मिल गया, राइट? नाउ अब हम क्या करेंगे, सेकंड ग्रुप को नीचे लाएंगे, और सेकंड ग्रुप को जो हम नीचे लाए तो ये क्या बन गया 425। अब हम 4 को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे मल्टीप्लाई करने पर या तो हमें 425 मिल जाए या उससे छोटा नंबर। सो 4 को हमने सबसे पहले मल्टीप्लाई किया 7 से, तो 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 को 4 के साथ भी लिखा, सो 47 × 7 क्या मिला 329। हमें चाहिए क्या 425, तो अभी हमें नहीं मिला, हम और नंबर से चेक करेंगे। अब हम 4 को चेक करेंगे 8 से, सो 48 × 8 क्या मिला 384, अगेन क्या है छोटा है। अब हम नेक्स्ट नंबर 9 से चेक करेंगे, सो 49 × 9 क्या मिला 441, 441 जो है वो 425 से ग्रेटर हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि हमें 425 नहीं मिल रहा कहीं पर, तो इससे हम क्या करेंगे, जस्ट छोटा नंबर लेंगे।
तो 425 से जस्ट छोटा क्या है 384, और ये किस पे गया 48 8s are 384, राइट। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या बन गया 41 बन गया रिमाइंडर। रिमाइंडर हमें बताता है कि 41 ही एक ऐसा नंबर है जो 825 को परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बनने दे रहा। सो द रिक्वायर्ड लीस्ट नंबर जिसको हमें सब्ट्रैक्ट करना चाहिए 825 में से वो क्या है 41, और 41 सब्ट्रैक्ट करने पर ये नंबर क्या बन जाएगा एक परफेक्ट स्क्वायर। सो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या बना आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 41, 825 माइनस 41 इज 784, राइट। अब हम इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर 784 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे बाय डिवीजन मेथड। हमने क्या किया पीछे से ग्रुप बनाया, तो फर्स्ट ग्रुप है 07। 07 क्या हमें यहाँ कहीं मिलता है? नो, उससे छोटा हमें क्या मिला 4, 2 2s are 4 पर, राइट। नाउ 7 में से 4 गया 3 बचा रिमाइंडर, अब इस 2 को हम यहाँ ऐड कर देंगे 2 + 2 क्या बन गया 4। नेक्स्ट ग्रुप को हम नीचे लाए 84 को, तो 84 नीचे आए क्या बन गया 384, राइट। नाउ 4 को हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे मल्टीप्लीकेशन के बाद हमें 384 मिल जाए। सो हमें पता है हमने यहाँ पे किया था रफली 48 8s are क्या होता है 384 होता है, राइट। सो 48 8s are क्या मिल गया 384। नाउ रिमाइंडर आया 0, तो इसका मतलब क्या है हमारा यहाँ पे स्क्वायर रूट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सो इससे हमें पता चलता है स्क्वायर ऑफ 784 क्या है 28। क्लियर है ये चीज। नाउ मूव करते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पर। फिफ्थ पार्ट है 4000। नाउ 4000 हमें चेक करना है कि परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है, तो हमने 4000 को पीछे से ग्रुप बनाना स्टार्ट किया। फर्स्ट ग्रुप आ गया 40, 40 जो है इस टेबल में कहीं नहीं आ रहा, लेकिन उससे छोटा आ रहा है 36। सो 36 गया 6 6s are 36 पर। नाउ 40 - 36 कितना बचा 4, और यहाँ पे हमने 6 को 6 में ऐड किया तो क्या बन गया 6 + 6 = 12। नाउ अब हम क्या करेंगे सेकंड ग्रुप को नीचे लाए, तो 00 नीचे आया तो ये क्या बन गया 400, राइट। अब हमें 12 को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे मल्टीप्लाई करने पर हमें 400 मिल जाए या फिर उससे जस्ट छोटा, राइट। सो फर्स्ट हमने ट्राई किया 12 को 2 से, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 को 12 के साथ भी लिखा। सो 12 इंटू 2 कितना बन गया 244, बट हमें क्या चाहिए 400, तो हमें और नंबर चेक करना पड़ेगा। अब हम 12 को 3 से चेक करेंगे, और 3 से चेक करने पर हमें क्या मिला 369, अगेन 400 से छोटा है, तो हम एक और नंबर बड़ा चेक करेंगे। हमने 12 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमें क्या मिला 496। इसका मतलब क्या है कि हमें 12 कहीं नहीं मिला। सो 12 नहीं मिला तो उससे जस्ट छोटा हमें क्या मिल रहा है, हमें 369 मिल रहा है 3 पर, राइट। सो ये गया 123 × 3 = 369। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 400 - 369 कितना बचा 31। सो 31 ही वो लीस्ट नंबर है जिसको 4000 में से सब्ट्रैक्ट करने पर ये नंबर क्या बन जाएगा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, राइट। सो हम यहाँ क्या लिखेंगे रिक्वायर्ड लीस्ट नंबर इज 31 जिसको सब्ट्रैक्ट करना चाहिए इस नंबर में से, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा वो क्या है 4000 - 31 = 3969। नाउ 3969 का हमें क्या करना है स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सो पीछे से हमने इसका ग्रुप बनाना स्टार्ट किया, 6 6s are कितना आ गया 36। नाउ 39 - 36 = 3, और इस 6 को अब हम यहाँ ऐड करेंगे तो 6 + 6 कितना हो गया 12। नाउ हम सेकंड ग्रुप को नीचे लाएंगे, 69 नीचे आया तो क्या बन गया 369। अब हमें 12 को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें 369 मिल जाए, राइट। सो हमें पता है 123 × 3 हमें क्या मिलता है 369, राइट। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 123 3s are 369। अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पर हमें रिमाइंडर क्या मिला 0। सो यहाँ हमारा स्क्वायर रूट कंप्लीट होता है, तो अब हमें पता चला द स्क्वायर रूट ऑफ 3969 = 63। क्लियर है ये चीज। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। सो सब्ट्रैक्ट करने वाले क्वेश्चंस में हमेशा क्या है, जो भी रिमाइंडर बचेगा वही आपका लीस्ट नंबर होता है जिसको सब्ट्रैक्ट करने पर वो नंबर क्या बन सकता है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्लियर है ये चीज।
सो मूव करते हैं अब हम हमारे फिफ्थ क्वेश्चन पर. सो फ्रेंड्स, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर एंड ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन. आपको वो सबसे छोटा नंबर फाइंड करना है जिसको इन सभी नंबर्स में एड करने पर ये नंबर क्या बन जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर. सो फर्स्ट टाइप हमारा क्या था, हमें सब्ट्रैक्ट करना था. लेकिन इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें ये बताना है कि किस नंबर को ऐड करने पर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन सकता है, राइट? तो पहला टाइप था सब्ट्रैक्शन. नेक्स्ट टाइप क्या है, एडिशन. किसको ऐड करने पर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनता है. सो और उसके बाद आपको क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करने के बाद आपको उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है. क्लियर है ये चीज? सो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, 525. नाउ हम ये फर्स्टली हम ये चेक करेंगे कि 525 एक परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है. क्लियर है ये चीज? सो हम लॉन्ग डिविजन से इसको चेक करेंगे. हमने पीछे से ग्रुप बनाया एंड अगेन फर्स्ट ग्रुप को डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमारा स्क्वायर टेबल देखेंगे. और स्क्वायर टेबल हमारा हमें पता ही है, क्लियर है? सो फर्स्ट ग्रुप है 5. सो फ्रेंड्स, क्या 5 यहाँ हमें कहीं मिलता है? नो. 5 से छोटा क्या मिला हमें, 4. किस पर? 2 2s are 4 पर, राइट? सो ये गया 2 2s are 4. 5 में से 4 गया, कितना बचा? 1 बचा. नाउ अब इस 2 को हम यहाँ एड कर देंगे तो 2 + 2 क्या बचा? 4 बचा. क्लियर है? नाउ सेकेंड ग्रुप को हम नीचे लाए, 25 नीचे आया, क्या बना? 125. नाउ अब हमें 4 को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर या तो हमें 125 मिल जाए परफेक्टली या फिर उसे जस्ट छोटा नंबर मिल जाए. क्लियर है? सो 4 को हम सबसे पहले चेक करेंगे 2 पर, क्योंकि हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए 2 को 4 के साथ भी लिखेंगे. सो 42 × 2 कितना मिला? 84 मिला. क्लियर है? नाउ हमें चाहिए था 125 बट हमें 84 मिला, उससे छोटा है, बहुत छोटा है, राइट? अब हम 4 को नेक्स्ट नंबर 3 से चेक करेंगे. तो जब हमने 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 को 4 के साथ भी लिखा. सो 43 × 3 हमें क्या मिलता है? 129 तो 125 से ग्रेटर हो गया, राइट? तो हमें एग्जैक्टली 125 नहीं मिला. अगर नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, उसे जस्ट छोटा लेंगे. और उसे जस्ट छोटा क्या है? 84. और ये किस पे जा रहा है? 42 × 2 = 84 पर. क्लियर है ये चीज? नाउ अब मैंने सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो 125 - 84 कितना बना? 41. अब हम क्या करेंगे, जो न्यू वाला क्वेश्चन ऐड हुआ है, न्यू क्वेश्चन तो ये ऐड हुआ है ना अभी अभी, और ये क्या है? 2. इस 2 को हम यहाँ पे ऐड करेंगे. ऑलवेज न्यू क्वेश्चन ऐड करते हैं, पूरा 22 ऐड नहीं करेंगे, राइट? पहला वाला क्वेश्चन था 2, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन था अगेन हमारा 2 आया, तो हम इस न्यू वाले 2 को ऐड करेंगे. सो 42 + 2 = 44. नाउ 44 इज ग्रेटर देन 41, मतलब आगे डिवीजन पॉसिबल अब नहीं है. तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये सब्ट्रैक्शन वाला क्वेश्चन होता तो हम इस रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर देते और ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाता. लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें ऐड करना है. सो अब इसके लिए अब हम क्या करें, आपको ये पता है फ्रेंड्स, अगर हम 525 में कुछ ऐड करते हैं तो 525 एक ग्रेटर नंबर बनेगा 525 से, राइट? सो हमें ये समझने की जरूरत है कि जब हमने 525 का डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड किया तो हमारा जो क्वेश्चन आया वो आया 22. ये रिप्रेजेंट करता है कि 525 के अंदर जो है 22 तक का एक परफेक्ट स्क्वायर मौजूद है, राइट? सो जो 525 है वो 22 स्क्वायर से लेकिन क्या होगा, बड़ा नंबर होगा, राइट? क्यों बड़ा होगा? क्योंकि रिमाइंडर बच रहा है. क्लियर है ये चीज? तो अगर 22 तक का स्क्वायर है 525 में तो हम 525 को नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना सकते हैं. और 22 के बाद नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर बनता है 23 का. तो 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529. क्लियर है? हमें 525 में कुछ ऐड करना है. अब ऐड करेंगे तो वो 525 से ग्रेटर बनेगा ना, तो ग्रेटर बनेगा तो उसके बाद वो कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा. ये चीज क्लियर है कि अगर 525 के अंदर 22 तक का स्क्वायर मौजूद है तो इसका मतलब वो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर दैट इज 23 का स्क्वायर बनेगा. क्लियर है?
और 23 का स्क्वायर क्या होता है 529। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो हमारा नंबर है 525 ये 529 से कितना छोटा है। सो अगर हम 529 में से 525 को माइनस करते तो हमारा आंसर आया 4। नाउ 4 ये रिप्रेजेंट करता है कि 4 वो सबसे लीस्ट मतलब वो सबसे छोटा नंबर है जिसको 525 में ऐड करने पर ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। क्लियर है? सो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या बनेगा 525 में अगर हम 4 ऐड करेंगे 529, और हमें पता है कि 529 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 23 का स्क्वायर है, राइट? और हम इसको फाइंड करके भी दिखा सकते हैं। हमने क्या किया, पीछे से ग्रुप बनाया, फर्स्ट ग्रुप है 5, 5 इस टेबल में कहीं नहीं आता, उससे छोटा क्या आता है 4, 2 2s are 4 पर 5 में से 4 गया, 1 बचा रिमाइंडर। अब हम इस 2 को यहाँ ऐड करेंगे तो 2 plus 2 क्या बन गया 4। नाउ अब हम इस 29 को मतलब नेक्स्ट पेयर को हम नीचे लेकर आएंगे तो ये नंबर क्या बना 129। अब हमें 4 को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे मल्टीप्लाई करने पर हमें 129 मिल जाए। सो हमें पता है 43 into 3 क्या होता है 129, राइट? सो ये गया 43, 3s are 129, रिमाइंडर आया 0, तो इसका मतलब हमारा स्क्वायर रूट कंप्लीट हुआ। सो द स्क्वायर रूट ऑफ 529 इज 23। क्लियर है ये चीज? बहुत आसान क्वेश्चन था। नाउ मूव करते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट है 1750। सो फर्स्टली हम ये चेक करेंगे 1750 परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है। सो पीछे से हमने क्या किया, ग्रुपिंग स्टार्ट की, फर्स्ट नंबर क्या है 17। नाउ हमें ये चेक करना है कि क्या 17 जो है इस टेबल में कहीं आता है। सो 17 इस टेबल में कहीं नहीं आ रहा, उससे छोटा क्या मिल रहा हमें 16 मिल रहा है। नाउ 16 जो है वो जाता है 4 4s are 16 पर, 17 में से 16 गया, रिमाइंडर बचा 1। नाउ इस 4 को हम यहाँ ऐड करेंगे तो 4 प्लस 4 क्या बन गया 8। क्लियर है ये चीज यहाँ तक? अब हम क्या करेंगे, सेकंड ग्रुप को 50 को नीचे लाएंगे तो ये नंबर क्या बना 150। नाउ हमें 8 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे मल्टीप्लाई करने पर या तो हमें परफेक्टली 150 मिल जाए या उससे जस्ट छोटा नंबर। सो हमने 8 को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो 2 को 8 के साथ भी लिखा, सो 82 into 2 हमें क्या मिला 164 मिला। 164 is greater than 150, right? तो हम एक और नंबर से चेक करेंगे और इस बार हम 2 से नहीं उससे छोटे नंबर से चेक करेंगे, that is 1 से, क्योंकि 2 पर क्या था 150 से greater आ गया था। अब हम 1 पे चेक करेंगे, सो 81 into 1 कितना आया 81। तो इसका मतलब ये हुआ कि 81 ones are आया 81, 150 में से 81 गया बचा 69। अब हम इस न्यू क्वेश्चन को दैट इज 1 को यहाँ ऐड करेंगे डिवाइजर में, सो 81 प्लस 1 कितना आ गया 82। अब हम क्या देख रहे हैं 82 इज ग्रेटर देन 69, मतलब अब आगे डिवीजन पॉसिबल नहीं है। सो 1750 का जब हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया तो हमें क्वेश्चन में 41 मिला। इसका मतलब क्या है, 1750 के अंदर 41 तक का परफेक्ट स्क्वायर ऑलरेडी है। अगर परफेक्ट स्क्वायर 41 तक का है तो 1750 में कुछ और नंबर ऐड करके हम नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर दैट इज 42 का स्क्वायर हम इसको बना सकते हैं, राइट? तो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या बन सकता है आफ्टर 41, 42। 42 का स्क्वायर कितना होता है 1764। अब हम चेक करेंगे कि जो हमारा नंबर है 750 ये 1764 से कितना छोटा है, जितना छोटा होगा उतना नंबर हम क्या करेंगे इसमें ऐड कर देंगे। क्लियर है? सो 1764 में से हम 750 माइनस किया तो क्या बचा 14 बचा। तो रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर क्या है जिसको ऐड करना चाहिए, वो है 14। नाउ 14 ऐड करने पर इन 750 हमें क्या मिला 1764। अब इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1764 का हमें स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। सो हमने क्या किया, ग्रुपिंग स्टार्ट की, फर्स्ट नंबर आया 17, इस टेबल में हमें 17 कहीं नहीं मिलता, हमें मिलता है 16 किस पर 4 4s are 16 पर। क्लियर है? नाउ 17 माइनस 16 कितना बचा 1 बचा। अब इस 4 को हम यहाँ ऐड करेंगे, 4 प्लस 4 क्या बन गया 2। नाउ नेक्स्ट ग्रुप दैट इज 64 को हम नीचे लाएंगे तो ये बना 164। अब हम 8 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पर ये क्या बन जाए एक परफेक्ट स्क्वायर। सो 82 into 2 करा तो क्या बना 164, 82 2s are 164। अब रिमाइंडर बचा 0, यानी कि यहाँ पे हमारा स्क्वायर रूट कंप्लीट हो गया। सो द स्क्वायर रूट ऑफ 1764 इज 42।
क्लियर है यहाँ तक? अब हम मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। सो फ्रेंड्स, थर्ड पार्ट है 252। सो 252 में हमें क्या ऐड करना चाहिए जिससे एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए? तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि 252 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्यों नहीं है। सो हमने ग्रुपिंग स्टार्ट की, फर्स्ट ग्रुप बना 2 और सेकंड ग्रुप बना 52। नाउ 2 को हमें चेक करना है कि क्या इस टेबल में कहीं मिल रहा है। सो 2 इस टेबल में हमें कहीं नहीं मिल रहा, 2 से छोटा हमें क्या मिला? 1 मिला। किस पर? 1 1s are 1 पर, राइट? सो ये गया 1 1s are 1। नाउ 2 में से 1 गया, 1 बचा। अब इस 1 को हम क्या करेंगे? इधर ऐड करेंगे, 1 प्लस 1 कितना बन गया? 2 बन गया, 2 हमने नीचे लिखा। नाउ सेकंड ग्रुप को नीचे लाएंगे 52, तो ये नंबर बना 152। अब हमें 2 को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे मल्टीप्लाई करने पर या तो हमें परफेक्टली 152 मिल जाए या फिर उससे छोटा नंबर मिल जाए, राइट? सो 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। 7 से हमने चेक किया तो 7 को 2 के साथ भी लिखा, 27 × 7 = 189। 189 इज ग्रेटर देन 152, तो हम उससे छोटा नंबर और चेक करेंगे। सो अब हमने 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 को 2 के साथ भी लिखा। नाउ 26 × 6 कितना बना? 156। 156 अगेन 152 से ग्रेटर है, तो हम एक और छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 6 के बाद छोटा नंबर हमें मिला 5, तो हमने 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 को 2 के साथ भी लिखा। सो 25 × 5 = 125। क्लियर है ये चीज? तो हमें यहाँ पता चलता है कि 152 तो एग्जैक्टली नहीं मिला, उससे छोटा हमें क्या मिला? 125। किस पर? 25 × 5 = 125। क्लियर है ये चीज? नाउ 5 को हम यहाँ पे ऐड करेंगे क्योंकि न्यू क्वेश्चन हम ऐड करते हैं। सो 25 + 5 कितना बचा? 30। और यहाँ रिमाइंडर कितना बचा? 27। नाउ डिवाइजर इज ग्रेटर देन डिविडेंड, सो अब यहाँ पे डिविजन और पॉसिबल नहीं है। सो स्क्वायर रूट फाइंड करने के बाद हमें क्या पता चलता है? 252 का जो क्वेश्चन आया वो आया 15, मतलब 252 के अंदर 15 तक का स्क्वायर है। तो 15 तक का स्क्वायर है तो 252 में ऐड करके हम और नेक्स्ट कौन सा स्क्वायर बना सकते हैं? हम 16 का स्क्वायर बना सकते हैं क्योंकि 15 के बाद तो जस्ट 16 आता है, राइट? सो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर हम क्या बना सकते हैं? 16 का स्क्वायर, और 16 का स्क्वायर क्या होता है? 256, राइट? सो अब हमें ये चेक करना है कि हमारा जो नंबर है 252 वो 256 से कितना छोटा है। तो हम सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे, हमने सब्ट्रैक्ट किया 256 में 252, तो आंसर आया 4। तो इसका मतलब क्या है? 4 वो लिस्ट नंबर है जिसको हम 252 में ऐड करेंगे तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। और 252 में 4 ऐड करने पर हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या मिला? 256। अब इस 256 का हमें क्या फाइंड करना है? स्क्वायर रूट। नाउ स्क्वायर रूट हम फाइंड करेंगे, हमने पीछे से ग्रुप बनाया, फर्स्ट ग्रुप हमारा आया 2। 2 क्या इस टेबल में कहीं मिल रहा है? नो। सो 2 से छोटा क्या मिला? 1। 1 1s are 1, तो 1 1s are 1 आया। सो 1 1s are 1 आया, 2 में से 1 गया, बचा 1। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे? इस 1 को ऐड करेंगे, 1 प्लस 1 क्या हो गया? 2 हो गया। नाउ हम क्या करेंगे? सेकंड ग्रुप को नीचे लाएंगे, सेकंड ग्रुप नीचे आया 56। सो अब हमारा नंबर बना 156। अब हमें क्या करना है? हमें 2 को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 156 मिल जाए, राइट? सो हमें पता है कि अगर हम 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 × 6 हमें क्या मिलेगा? 156। और अब क्योंकि रिमाइंडर हमारा 0 आया तो इसका मतलब हमारा स्क्वायर रूट कंप्लीट हुआ और हमें ये पता चला कि जो 256 है वो 16 का परफेक्ट स्क्वायर है। क्लियर है ये चीज? नाउ मूव करते हैं हम फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट है 1825। सो फर्स्ट हमें चेक करना होगा 1825 एक परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है। सो हमने ग्रुपिंग की पीछे से, फर्स्ट ग्रुप हमारा आया 18, नेक्स्ट ग्रुप हमारा आया 25। नाउ हमें चेक करना है 18 क्या इस टेबल में आता है? 18 इस टेबल में कहीं नहीं आता और उससे छोटा क्या आता है? 16। किस पर? 4 4s are 16 पर, राइट? सो 4 4s are 16, 18 में से 16 गया, बचा 2। अब हम क्या करेंगे? इस 4 को यहाँ ऐड करेंगे, 4 प्लस 4 कितना हो गया? 8 हो गया। क्लियर है? नाउ सेकंड ग्रुप को हम नीचे लाए, 25 नीचे आया तो क्या बना? 225। नाउ हमें 8 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर हमें 225 मिल जाए या उससे जस्ट छोटा। सो 8 को हमने फर्स्ट चेक किया 1 से, 1 से अगर हम 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 8 के साथ भी लिखेंगे। सो 81 × 1 कितना आया? 81। नाउ 81 तो 225 से बहुत छोटा है, तो हम एक और बड़ा नंबर से ट्राई करेंगे। नाउ 8 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 को 8 के साथ भी लिखा, 82 × 2 कितना आया? 164। अगेन ये नंबर भी छोटा है, तो हम एक और बड़े नंबर से चेक करेंगे। अब हम 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 83 × 3 हमें कितना मिला? 240।
249 तो 225 से क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। तो हमें ये पता चला हमें एग्जैक्टली 225 नहीं मिला। तो अगर एग्जैक्ट हमें 225 नहीं मिला तो उसे छोटा हमें क्या लेना पड़ेगा, 164, राइट। सो 164 मिलता है, 82 इंटू 2 164। नाउ सब्ट्रैक्ट करने पर हमें रिमाइंडर क्या मिला, 61। अब हम क्या करेंगे, इस न्यू क्वेश्चन को दैट इज 2 को हम यहाँ ऐड करेंगे। सो 82 प्लस 2 कितना बना, 84। अब 84 क्योंकि बड़ा है 61 से, आगे डिवीजन पॉसिबल नहीं है। और अब स्क्वायर रूट फाइंड करने के बाद हम क्वेश्चन में देख रहे हैं कि आंसर आया 42, मतलब 1825 के अंदर 42 तक का स्क्वायर है। अगर 42 तक का स्क्वायर है तो 1825 में कुछ और ऐड करके हम कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना सकते हैं, हम 42 के जस्ट बाद वाला दैट इज 43 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना सकते हैं, राइट। सो 43 का स्क्वायर क्या होता है, 1849 होता है। अब हमें ये चेक करना है कि जो हमारा नंबर है 1825 वो 1849 से कितना छोटा है। सो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें क्या दिख रहा है कि आंसर आया 24। 1849 में से जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 1825, सो आंसर आया 24। तो इसका मतलब क्या है, 24 एक ऐसा सबसे छोटा नंबर है जिसको अगर हम 1825 में ऐड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्लियर है। सो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना 1825 में 24 ऐड करने पर 1849। नाउ अब हम इस 1849 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, हम पीछे से ग्रुप बनाएंगे। अब 18 फर्स्ट है, नेक्स्ट क्या है 49। सो क्या 18 इस टेबल में कहीं मिला, नहीं, उसे छोटा क्या मिला, 16। सो ये गया 4 4s are 16 पर, 18 में से 16 गया, कितना बचा, 2। अब हम इस 4 को यहाँ ऐड करेंगे, 4 प्लस 4 कितना हो गया, 8 हो गया। क्लियर है। नाउ हम सेकंड ग्रुप को नीचे लाएंगे तो 49 नीचे आया, क्या बन गया, 249। अब हमें 8 को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 249 मिल जाए। सो 83 इंटू 3 पर 249 आता है, राइट, ये अभी हमने देखा था। सो 83 3s are क्या आया, 249। रिमाइंडर बचा अब 0, यानी कि हमारा यहाँ पे स्क्वायर रूट कंप्लीट हुआ। सो हमें क्या पता चला, द स्क्वायर रूट ऑफ 1849 इज 43। क्लियर है ये चीज, आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ रहे होंगे। नाउ इसका लास्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या नंबर दे रखा है, 6412। नाउ 6412 हम चेक करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है। हमने पीछे से ग्रुपिंग स्टार्ट की तो फर्स्ट ग्रुप आया 64। क्या 64 इस टेबल में हमें कहीं मिलता है, यस, हमें 8 8s are 64 मिलता है, राइट। सो 64 गया 8 8s are 64 पर, रिमाइंडर बचा 0। अब इस 8 को हम यहाँ ऐड करेंगे तो 8 प्लस 8 कितना आ गया, 16। नाउ नेक्स्ट ग्रुप को हम नीचे लाएंगे, 12 नीचे आया तो ये क्या बना, ये 12 ही बना, राइट। नाउ अब हमें 16 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आंसर जो है वो 12 आ जाए, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 16 जो है वो खुद में ग्रेटर है। लेकिन अगर हम 16 को 0 से मल्टीप्लाई करते तो 0 आता है आंसर, मतलब 160 इंटू 0 इज 0। सो रिमाइंडर अब बचा 12। नाउ इस क्वेश्चन को 0 को ऐड करने पर 160 में हमें अगेन 160 मिलता है। तो इसका मतलब क्या है, अब आगे डिवीजन पॉसिबल नहीं है। सो 6412 में 80 तक का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और 80 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, 6400, राइट। सो अब हमें 6412 को कुछ ऐड करके परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है। तो ऐड करेंगे तो ऐड करने पर ये नंबर इंक्रीज होगा, राइट, ग्रेटर होगा। सो 80 के बाद कौन सा परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, 81 का हो सकता है। सो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर हम इसको क्या बना सकते हैं, 81 का स्क्वायर, और 81 का स्क्वायर क्या होता है, 6561, राइट। सो अब हम चेक करेंगे कि जो हमारा नंबर है 6412 ये 6561 से कितना छोटा है। सो रिक्वायर्ड लीस्ट नंबर फाइंड करने के लिए हमने सब्ट्रैक्ट किया, हमारा आंसर आया 149, मतलब 149 वो सबसे छोटा नंबर है जिसको सब्ट्रैक्ट करने पर ये क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नाउ परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाएंगे, अब हम 6412 में 149 ऐड करने पर क्या बना, 6561। नाउ इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। हमने पीछे से ग्रुपिंग स्टार्ट की, फर्स्ट ग्रुप आया 65 को, अब हमें चेक करना है कि क्या इस टेबल में कहीं आता है, तो 65 नहीं आता, उससे छोटा आता है 64, और किस पर आता है, 8 8s are 64 पर, राइट। सो ये गया 8 8s are 64 पर। नाउ अब हम 65 में से 64 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचा, 1,
और अब हम इस 8 को यहाँ ऐड करेंगे तो 8 प्लस 8 क्या बन गया 16। अब हमें क्या करना है, सेकंड ग्रुप को नीचे लाना है। सो 61 नीचे आएगा, ये नंबर क्या बना 161। अब हमें 16 को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे मल्टीप्लाई करने पर हमें 161 मिल जाए। तो ये तो क्लियर सी बात है, अगर आप 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 161 आपको मिलेगा, राइट। सो 161 वंस आर 161 और सब्ट्रैक्ट करने पर रिमाइंडर क्या आया, 0। रिमाइंडर 0 आया, इसका मतलब क्या है, हमारा स्क्वायर रूट कम्प्लीट हुआ और हमें ये पता चला कि 6561 जो है वो 81 का परफेक्ट स्क्वायर है। क्लियर है ये चीज, बहुत आसान क्वेश्चन थे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप लोगों को सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 इस एक्सरसाइज का बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 ही इन क्वेश्चंस का बेस क्लियर करता है, बेस बनाता है, राइट। सो 1 को अच्छे से कीजिए, फिर आप क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को अच्छे से कर पाएंगे और आप बिल्कुल कर सकते हैं, राइट। सो फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और अगर आपको और भी कुछ डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड या प्रीवियस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और आप कमेंट करके भी आप हमें अपने डाउट्स बता सकते हैं जिससे हम आपके डाउट्स को जल्दी से जल्दी क्लियर करें। एंड गाइज, हमारे साथ कनेक्ट रहने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को सॉल्व किया, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 6.4 के रिमेनिंग सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए आप इनको खूब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।